और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां पर 100 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू का एक्शन देखने को मिला है और ईओडब्ल्यू ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कॉलोनी काटने के नाम पर लोन लिया था, फर्जीवाड़ा किया गया था, बिना लोन चुकाए अनापत्ति पत्र देकर मकान बेच दिए। होशंगाबाद रोड के रतनपुर में 23 एकड़ जमीन पर बनाए गए मकान और इन मकानों को बेच दिया गया है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और इस बीच ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई हो रही है। कॉलोनी काटने के नाम पर लोन लिया गया था और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि बिना लोन चुकाए अनापत्ति पत्र देकर मकान बेच दिए गए, जिसकी जानकारी, जिसकी भनक ईओडब्ल्यू को लगी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिखिल, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ 100 करोड़ की धोखाधड़ी का, ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, अपने आप में एक बड़ा मामला है क्योंकि मामला करोड़ों में नहीं बल्कि 100 करोड़ का है और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो हेरा फेरी की गई है उसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। पूरे मामले को लेकर बहुत लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी। ईओडब्ल्यू ने इसकी पूरी की पूरी जाँच पड़ताल की और प्रारंभिक जाँच के आधार पर जो है वो मामला दर्ज किया है। देखिए, जो बिल्डर है वो बिल्डर चिनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की जो बिल्डर है, जाने मानी एक फर्म है, ना सिर्फ राजधानी भोपाल की बातचीत करें बल्कि मध्य प्रदेश के, अगर यूं कहा जाए कि 4 बड़े महानगरों में तो सभी जगह इनके प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बड़ी धोखाधड़ी इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि होशंगाबाद रोड, जो कि एक करोड़ों अरबों की संपत्तियां, बेशकीमती जमीनों की जगह कही जाती है, राजधानी भोपाल के शहर से कुछ ही सीमा की दूर पर रतनपुर का एक क्षेत्र, यहां पर 23 एकड़ में इस कॉलोनी को काटा गया था। लेकिन जो ऋण लिया गया, जो लोन कंपनी ने लिया था, जो कंपनी के साथ साथ बिल्डर्स ने लिया था, ये अलग अलग पार्टनरशिप के आधार पर थे। इन्होंने बिना अनापत्ति के ही जो है मकानों को बेच दिया। और सबसे बड़ी बात ये तो ये है कि जो अनापत्ति जब बनाई भी गई तो उन्हें भी फर्जी बनाई गई, यानी कूटरचित दस्तावेजों के बनाने का जो मामला है वो 12 धाराओं के आधार पर दर्ज हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर देखते हैं हम तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे एक बात का कलंक साफ तौर पर सामने आता है कि रियल एस्टेट की जो धोखाधड़ी के मामले हैं वो सबसे ज्यादा यहीं दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि रेरा, जो कि रियल एस्टेट संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, खरीदारों के लिए जो बनाई गई है, उसमें सबसे ज्यादा कहीं के प्रकरण है तो वो रेरा के नजर आते हैं, राजधानी भोपाल में नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासे के साथ साथ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी कब तक होती है ये बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि छोटे मोटे बिल्डर नहीं है, रसूखदार बिल्डरों में इनका नाम आता है और काफी पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इनके सामने आते हैं। पहले भी कई बार इनके मामले पर शिकायतें की गई थी, रेरा में भी ऐसे लगभग 25 से 30 मामले हैं जिन पर आदेश के बावजूद भी अमल नहीं हो पाया। तो अब कहीं ना कहीं एक FIR दर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं एक ठोस कार्रवाई इसको माना जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि अब जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल सकेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही कूट कर रचित दस्तावेजों में तब्दील कर देना, यानी कि फर्जी तौर पर बनाना, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा मामला है कि किस प्रकार से शासन और प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। क्योंकि अगर हम NOC की बातचीत करते हैं तो वो 5 प्रक्रिया से होकर निकलती है और नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत भी इसे कहीं ना कहीं जांचा परखा जाता है। तो ये बात बड़ी है कि TNCP के अधिकारियों की बातचीत की जाए, नगर निगम के अधिकारियों की बातचीत की जाए, उसके अलावा पंजीयन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और रोटरी के अधिकारियों की बातचीत की जाए तो आखिर उन्होंने किस भूमिका में इन रजिस्ट्रियों को चेक किया। ठीक है शिकिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच यहाँ पर पूरे मामले का खुलासा भी और भी होना बाकी है, हालांकि यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है।